दर्शकों को हम ये बता दें कि अगर दो लोगों की बात सुन ली होती, जी हाँ, अगर दो लोगों की बात सुन ली होती तो पीएनबी का ये घोटाला नहीं होता। देश की दो मुख्य पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस घोटाले के बीच में दो ऐसे शख्स सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि अगर सरकार वक्त रहते इनकी बात सुन लेती तो ये महाघोटाला हुआ ही नहीं होता। ये है दिनेश दुबे, इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर। कांग्रेस के आरोपों का बचाव करने के लिए बीजेपी इनके नाम का जिक्र कर रही है और कह रही है कि घोटाला यूपीए राज में शुरू हुआ। लेकिन अब आप खुद दिनेश दुबे की बात सुनिए। तो उस समय था ही था ये, इससे कौन डिनाई कर सकता है? न यूपीए सरकार कर सकती है, न एनडीए सरकार कर सकती है। यूपीए सरकार से चला हुआ आरा कांड एनडीए सरकार में 10 गुना 50 गुना ज्यादा बढ़ गया। दिनेश दुबे के मुताबिक यूपीए राज में शुरू हुआ घोटाला एनडीए के राज में कई गुना बढ़ गया, लेकिन वो ये मानते हैं कि उन्होंने 2013 में ही गीतांजलि कंपनी के मालिक मेहुल चौकसी को 1500 करोड़ रुपए लोन देने का विरोध किया था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, उल्टा उन्हीं के ऊपर दबाव बढ़ता गया। ये सब होने के बाद मुझसे ये कहा कि बैंकिंग व्यवस्था चलाने के लिए ये आवश्यक है कि आप इसके पार्ट बने, और अगर आप इसके पार्ट नहीं बनते हैं, तो आप रिजाइन दे जाए। मैंने उसी समय फाइनेंस सेक्रेटरी को हाथ से लिख के रिजाइन दे दिया। मैं कंडीशन डालना चाहता था, उन्होंने कहा भाई आप अपने स्वास्थ्य के कारण से दो ताकि ये हम अप्रूव कर सके, अगर आप कारण डालोगे तो ऊपर तक जाएगा, वो ठीक नहीं है। इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक इस खेल में बैंक के अधिकारियों से लेकर बोर्ड सदस्यों तक सब शामिल थे। ये तो नीचे टॉप टू बॉटम मिलीभगत है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से दबाव नहीं हो। ऊपर से भी दबाव था, नीचे से भी प्रयास था, और ये सब मिलके हुआ। ये एक फैक्ट है कि ब्रांच से ये प्रस्ताव जोन में जाता है, जोन से प्रस्ताव हेड ऑफिस में आता है, हेड ऑफिस से बोर्ड में आता है, और बोर्ड से अप्रूव होता है। अच्छा। और बोर्ड जो होता है उसमें पूरी सरकार होती है। पीएनबी घोटाला मामले में सरकार के ढीले ढाले रवैये की पोल खोलते एक और शख्स हैं बेंगलुरु के हरि प्रसाद, जिनका जिक्र सबसे पहले कांग्रेस ने किया। उनका भी दावा है कि जुलाई 2016 में ही उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। Complaint to PMO in the year 2016 after having failed to get any response from any other organization such as Enforcement Directorate or CBI or SEBI or CIFO, Minister of Corporate Affairs, sabko, everybody I had written this letter. So when nobody responded to my complaints, ultimately I had written a letter to PMO requesting PMO to take necessary action to investigate detailed investigation on this guy and his modus operandi. Whatever the information that I could gather during my case study, I had forwarded the same information to PMO. Hari Prasad khud Mehul Choksi ke saath business kar chuke hain. उनका दावा है कि तभी उन्हें भनक लग गई थी कि मेहुल चौकसी के कारोबार में बड़ा घपला है, वो विदेश छोड़कर भाग सकता है, लेकिन तमाम शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। And the PMO had forwarded that information to ROC to take necessary action, but ROC, I think this Mehul Choksi is expert in managing people in every level. He could have managed some people. So ROC did not do any further investigation, neither they contacted me for any further information. One fine morning I received an email from ROC that your case is closed. To Dibang, भले ही कांग्रेस और बीजेपी आज पब्लिकली एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, पर बड़ी बात तो यही है ना कि इनके राज्य में जब शिकायत आई तो इन्होंने ध्यान तक देने की जहमत नहीं उठाई। जब देखिए ये जो इस तरह की शिकायतें आती हैं वो बहुत इस पर भी निर्भर करती हैं। मैंने जानकारों से बात की, उनका कहना है कि भाई शिकायत किस दर्जे की है, कैसी शिकायत है। दूसरी बात क्या है कि ये शिकायत तो प्रधानमंत्री कार्यालय देखता नहीं, वो अलग मंत्रालय को जाता है, वहां से अधिकारियों के पास जाती है, जवाब होते होते एक फाइल बनकर वो रह जाती है। क्या ये हो सकता है, और ये सुझाव है प्रधानमंत्री जी, क्या ये हो सकता है कि इस तरह की जो भी शिकायतें आएं वो सीधे ऑनलाइन चली जाएं, वहां से जो भी जवाब आए कंपनियों का दूसरों का वो भी ऑनलाइन रहे, सीधे देख सकेंगे, जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा बनेगी। लेकिन आप बैंक लोन्स की बात कर रहे हैं, आरबीआई का आंकड़ा है। अच्छा। और ये आरबीआई का आंकड़ा बताता है कि पिछले 5 साल में यानी 31 मार्च 2017 तक कुल मिलाकर 8,670 ऐसे फ्रॉड वाले लोन रहे, उधार रहे, जिसमें बैंकों का 60,000 करोड़ रुपया डूब में है। और सबसे ऊपर है इसमें पंजाब नेशनल बैंक,
389 इनका आंकड़ा है, 389 ऐसे उधार हैं जो डूब जाएंगे और कुल रकम है 6,500 करोड़, और इसमें ये जो मौजूदा मामला है वो शामिल नहीं है, और ये आरबीआई के आंकड़े हैं। तो इस तरह के घोटाले होते रहे हैं, इस तरह के फर्जी उधार लिए जाते रहे, इनको रोकने की बहुत सख्त जरूरत है, और अब तो और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर अब नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे? आप एक तरफ से एनपीए देते हैं, एनपीए के लिए पैसा देते हैं इन बैंकों को, फिर इन बैंकों से लूट होती है, और कुल मिलाकर के आपके हमारी गाड़ी कमाई कुछ ठग लेकर चंपत हो जाते हैं, और विदेश से देश आएंगे या नहीं ये भी पता नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।